एक मिनट भाई, प्रिया शादी, बाबूजी सिस्टर, ये मेरी पत्नी है, इन्हें मेडिकल अटेंशन चाहिए, प्लीज कुछ कीजिए जल्दी। आइए मेरे साथ। देखिए, फिर चलिए प्लीज। डॉक्टर साहब, जरा ख्याल रखना प्लीज। जो लोग मर गए उनकी लाशें वहाँ पड़ी हुई है और जिन्हें चोटें लगी उन्हें श्रीरामपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जाके देख लीजिए वहाँ पे। इस ट्रेन में कुल 446 यात्री सवार थे, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। 50 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 200 से ज्यादा घायल लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। हम आपको ये बता दें कि हादसे की खबर सबसे पहले न्यूज के जरिए मिली और हेलो, मैं स्पीक टू डॉक्टर श्रुति। हाँ बोल रही हूँ। इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। हाँ मैंने न्यूज में देखा। हमारे हॉस्पिटल से रिलीफ के लिए एक मेडिकल टीम जा रही है, उसमें आप भी हैं। बस मैं अभी पहुँच रही हूँ। जल्दी आइए। ओके। चटर्जी और डॉक्टर संकल्प चटर्जी, प्लीज कुछ बताइए ना सर, 2 घंटे से बहुत भटक रहा हूँ। देखिए अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, जितना इन्फॉर्मेशन है बाहर नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है सर, लेकिन वहाँ पर S3 के बारे में कुछ भी नहीं है। S3 54 55। देखिए हमें जितना मालूम होगा उतना ही बताएंगे ना, हमें नहीं पता। अच्छा मुझे ये बता सकते कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ? और श्रीराम और गोंदिया के बीच में दर कैसे के पास? रिलीफ ट्रेन कब जाएगी वहाँ पर? ये काउंटर पर पास से पूछ लीजिए प्लीज। ओके सर। रोको सबको यार, आने मत दो अंदर सर, प्लीज। सर
सिस्टर हाउ इज शी फीलिंग? उनको आईसीयू लेके जाना। जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों से दर किनारा, सांसों की धड़कन चुभती है हरदम, डराती है खुद अपना ही साया। भीड़ इतनी हो गई अचानक अपने को अकेला ही पाया। हेलो माँ। सोनू, सोनू बेटा जब से खबर सुनी हमने इतनी बेचैन हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, पर आशा कैसी है? अरे बोलना, चुप क्यों है? माँ आज तक की कोई खबर नहीं है यहाँ। क्या मतलब? माँ आज तक हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। ये तो क्या खबर सुना रहा है बेटा? मैंने तो यहाँ बहू के स्वागत की सारी तैयारियां करी हुई है। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है माँ। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नहीं नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, इसी उम्मीद से मैं तलाश कर रहा हूँ उसकी, लेकिन माँ अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली उसके बारे में। बेटा तू धीरज रख, हाँ ठीक करेगी। हाँ और मुझे फोन करते रहना, मुझे दोबारा फोन करना बेटा। हाँ उसका ब्लड ग्रुप चेक करो और पता करो कि वो ब्लड अवेलेबल है कि नहीं। ओके ठीक है, जल्दी करना, इट्स वेरी अर्जेंट। आप मुझे मिल गए, कल रात से मैं आस्था को ढूंढ रहा हूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। आस्था कौन है सर? माय वाइफ, डॉक्टर आलू की बहन है वो। आप शादी? कल रात को मैं शादी करके लौट रहा था और आधी रात को। सर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए। आपके सर से खून बह रहा है। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझे आस्था को ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज। सर की मदद करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ चलिए। चलिए सॉरी इतना खून बह रहा है, आइए। डॉक्टर मेरे पिताजी अंदर है, शशिकांत। सॉरी मिस्टर आकाश, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, और जब होश में आया तो चारों तरफ अंधेरा और शोर। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। मैं ये भी भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूं। बस बेतहाशा आस्था को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं नहीं मिली। कोई ठीक से कुछ बता ही नहीं रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, आस्था जरूर मिल जाएगी। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। आप आराम कर लीजिए। श्री रामपुर के अलावा
गोंदिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफी पेशेंट्स एडमिट है। मैं पता करके आपको खबर करती हूँ। नहीं सर, आप खुद भी जानते हैं कि आपका कितना खून बह गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, आप आराम कीजिए। गुजर गए। रो मत आकाश, चिंता मत करना बेटा। और कौन से हॉस्पिटल बताया तुमने? गोंदिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप लोग जल्दी आ जाइएगा, नूपुर को और माजी को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके। हर एक हॉस्पिटल में फोन करके पता करना। एक्सक्यूज मी, यहाँ जितने भी पेशेंट्स आए हैं मुझे उस सबकी लिस्ट चाहिए।
आपको ब्लड कैंसर है, तुझे और आस्था को कोई एतराज ना हो तो मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ। फैसला तो तुम्हें करना है और मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार होगा। संकल्प या तो कल या फिर पूरे एक महीने बाद शादी का मुहूर्त है, तो इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है मेरी यार? तू कहे तो कल ही शादी कर लेते हैं। वाले हैं वो इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनकी वाइफ का कुछ पता नहीं चल रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? उनका नाम क्या? आस्था चटर्जी। आस्था चटर्जी, आप प्लीज पहले आलोक से बात करो। एक एक मिनट, आस्था चटर्जी नहीं, ये इस नाम का तो यहाँ पे कोई है नहीं। देखिए वो एक दुल्हन की ड्रेस में थी। अच्छा, ऐसी एक लाश मर्ग में पड़ी हुई है, आप एक बार पता कर लीजिए। आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम नॉट श्योर बट एक बार पता कर लीजिए। क्या हम नूपुर को देख सकते हैं?